हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और इस वक्त मेरा साथ पुणे से जोड़ रहा है भारतवर्ष का एक वरिष्ठ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो राजनीति विज्ञान में विशेषज्ञ है, पुणे में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में बहुत साल इन्होंने पढ़ाया, वो स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स का प्रधान संपादक है और CSDS सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज उनका लोकनीति प्रोग्राम में वो को डायरेक्टर है, सह निर्देशक है। सुहास जी धन्यवाद आपका समय आपने दिया न्यूज। नमस्ते परंजय दा, नमस्ते। नमस्कार। तो सुहास जी, ये अभी महाराष्ट्र में वहां का विधान परिषद में निर्वाचन होने वाला है नए पद के लिए, ये हमने जो निर्वाचन सदन से निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा किया मई का पहला तारीख, इसके थोड़ा पीछे बहुत कुछ आश्चर्य चीज हुई थी। उसके समझ लीजिए 27 तारीख के दिन, नहीं हम पीछे और चले जाते हैं, थोड़ी देर पीछे चले जाते हैं। सबको मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी का जो मुख्यमंत्री का पद में 28 मई की अगर वो निर्वाचित नहीं होते हैं जी जी विधानसभा में या विधान परिषद में वो मुख्यमंत्री पद में नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने और महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कहा कि उनको आप एक नॉमिनेटेड मेंबर बना दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये आया आपके पास, उनके पास 9 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल उन्होंने एक बार और चिट्ठी लिखा कि आप कुछ कीजिए, उसको नॉमिनेट कीजिए। 28 अप्रैल के दिन MVA वो गठबंधन है महाविकास अगठी जिसमें आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है शिवसेना है, एक साथ मिलके राज्यपाल कोश्यारी जी को बोला आप कुछ कीजिए, लगभग उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर 19 अप्रैल का रात के समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन लगाया और फिर 24 घंटा के बाद निर्वाचन आयोग ने बोला हाँ हाँ निर्वाचन होने वाले हैं 21 मई को ये 9 जो विधान परिषद में जो जगह खाली है इसका निर्वाचन। तो इतना क्यों ऊपर नीच निवेदन अनुमति क्यों, ये सब क्या जरूरत था, ये इतना ड्रामाबाजी का क्या जरूरत था? सुहास जी आप बताइए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका शायद जवाब भी आपने ही दिया है कि उसका कुछ भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो 9 सीटें हैं जिनका निर्वाचन होने वाला है उनके अलावा विधान परिषद में जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए भी कुछ जगह होती है उनमें एक खाली है। और कैबिनेट स्टेट की ये कह रही थी कि अब ये कोविड चल रहा है, डिस्टेंसिंग है, सब चीजें बंद है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में शायद निर्वाचन आयोग इसका निर्वाचन ना करे लेकिन नॉमिनेशन तो हो सकता है, तो हम आपको ये सलाह देते हैं राज्यपाल को कि आप उद्धव ठाकरे जी का नॉमिनेशन इस पद पे कर दीजिए। इससे ये होगा कि ये जो संवैधानिक चुनौती आने वाली थी 26 मई को 27 मई को वो नहीं आएगी, निर्वाचन भी अभी नहीं करने पड़ेंगे। ये तो जाहिर है कि जो संविधान के मुताबिक हमारी संसदीय व्यवस्था में अगर कैबिनेट कुछ सलाह राज्यपाल को देती है तो राज्यपाल ने वो सलाह मानना संविधान के हिसाब से, मुझे जितना समझता है उससे मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल को ये जरूरी है कि वो संविधान के हिसाब से ये सलाह मानना जरूरी है। अब इसका जवाब तो राज्यपाल जी को देना चाहिए कि उन्होंने ये सलाह फिर क्यों नहीं मानी, क्या उसमें कुछ संवैधानिक दिक्कतें थी या राजनीतिक दिक्कतें थी, क्योंकि हमारे यहाँ आज नहीं सिर्फ भाजपा के रूल में नहीं पीछे कई सालों से ये चल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का खुद का अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और उसके जरिए सब जगह राज्यपाल जैसे हम सेंटर के एजेंट है इस तरह बर्ताव करते हैं। बिल्कुल, आप तो ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है कि अब यही महाराष्ट्र में हुआ है। ये जो
राज्यपाल का जो भूमिका होना चाहिए वो हम नहीं देख रहे कि एक बार राज्यपाल ठीक है तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, मगर जिस पद में आज भगत सिंह कोश्यारी जी बैठे हैं, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो ये सारे क्यों इतना, ये इसके पीछे और कुछ है? और कुछ है कि ये 9 पद में ठीक है, 3 तो भारतीय जनता पार्टी को आराम से मिल जाएगा, 5 आपका गठबंधन जो महाविकास अघटी को मिल जाएगा, और 1 जो बाकी है उसमें ऊपर नीच खींचतान होगा। तो ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी को कह दिया ठीक है एक जो पद है जो एक तरह से विवादित हो सकता है वो बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसा कुछ बैक, क्या कहते हैं, बैकरूम कंट्रोवर्सी की संभावना है? देखिए, अगर ये सच भी है, अब ये तो चीजें टेलीफोन में जो बात हुई है और दिल्ली का गॉसिप जो रहता है उसमें जो चीजें बन रही है उसका मुझे तो पता नहीं, लेकिन समझिए कि ये हो गया है। फिर भी इतनी छोटी चीज के लिए एक संवैधानिक पद का इस्तेमाल करना, एक बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाना, मेरे ख्याल से हम किसी को भी शोभा नहीं देता है। ये नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है इससे ज्यादा चीजें है इसमें, वो ये है कि जैसे आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में पहले तो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था, चुनाव भी उन्होंने साथ लड़े थे, और उसके बाद शिवसेना ने कहा कि हम आपके साथ नहीं आएंगे क्योंकि आप हमें मुख्यमंत्री पद नहीं दे रहे। तो ये जो उनके बीच में बेबनाव है, दोनों के बीच में भाजपा और शिवसेना, उसका ये नतीजा है कि हर, जिसको कहते हैं स्टेप पे, हर एक निर्णय के बारे में राज्यपाल हो या केंद्र की सरकार हो, महाराष्ट्र की इस सरकार को कुछ ना कुछ कठिनाइयां पैदा करना शायद चाहती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक सीट के लिए नहीं हुआ है, ये जो हुआ है वो एक राजनीतिक खींचतान है, और जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक दल ने ये कहना चाहिए कि चलिए आपके पैसे भी सीट तो आने वाले हैं, आप आने वाले थे, चुन के आप नॉमिनेट कर देंगे, वो नहीं हुआ है। सुहास जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम 2-3 कदम पीछे हट के देखते हैं। 21 अक्टूबर विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप जानते हैं जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नहीं रहा, एक साथ नहीं रहा, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 23 नवंबर को अचानक सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ ग्रहण करना पड़ा। रात के समय मोदी जी प्रधानमंत्री सारे कैबिनेट का जो क्षमता है अपने आप के पास लेके राष्ट्रपति को कहा कि आप राज्यपाल को लिखिए, ये सब ये सरकार टिका नहीं। और 4 दिन में नहीं टिका, 28 नवंबर उद्धव आपको क्या कहते हैं 26 नवंबर उसको मालूम पड़ा कि हम विधानसभा में हमारा बहुमत नहीं है, शपथ ग्रहण फिर उद्धव ठाकरे किया 2 दिन के बाद, ये सब हमें मालूम। तो इसके पीछे भी मेरा लग रहा है और भी कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी अत्यंत दुखी है और कहीं भी मौका मिल रहे हैं अस्थिरता के लिए वही कर रहे। ये क्या अभी बंद हो जाएगा? ये जब उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद और ये राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो जाएगा, क्या लग रहा है ये जो टेंशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच, ये खत्म होगा? और कोई रास्ता लोग सोचेंगे कि महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से हम डिस्टेबिलाइज कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा परंजयदा कि ये तो हर स्टेप पे चलता रहेगा अगले 3-4-5 साल तक। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि ये जो 3 दल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना, इनमें कुछ ना कुछ तो झगड़े होंगे और उन झगड़ों की वजह से ये सरकार गिर जाए। अगर नहीं गिरती है फिर भी तो केंद्र सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो इसके रास्ते में कुछ कठिनाइयां पैदा कर सकती है। राज्यपाल है, वो कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से राजनीति में चलता रहेगा। मेरा कहने का मायना जो था वो बड़ा था, वो ये था कि राजनीति तो चलती रहेगी लेकिन वो नहीं जाना चाहिए था। देखिए, हमने तो अभी अभी अखबार में पढ़ा कि केंद्र का जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, वो ही पुराना
विदर्भा इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का केस दोबारा शुरू कर दिया, और जो महाराष्ट्र का जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो जिस कुछ दिनों के लिए अजीत पवार जी जो उप मुख्यमंत्री थे उनको एक क्लीन चिट मिल गया, फिर भी जांच चल रहा है। आप ये भी, आपको मालूम है कि शरद पवार के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ उस समय केंद्रीय जांच एजेंसीज जो है, जो इन आयकर डिपार्टमेंट है, जो ईडी है, ये भी इन्होंने जांच किया। और हमने देखा कि शिव सैनिक जो बहुत सारे जो मुंबई बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वहां ठेकेदार है, उनके खिलाफ भी आयकर विभाग का रेड किया। तो केंद्र के पास ये हथियार है, ये है आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई, इसका भी आप लग रहे हो उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा? वो सब हथियार तो इस्तेमाल में आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक मेरे ख्याल से भाजपा के लिए रिस्क है। वो रिस्क ये है कि शिवसेना शुरू से मराठी लोगों की पार्टी खुद को कहलाती है और खड़ी हुई है। अब ये जो झगड़ा चल रहा है उसको अगर शिवसेना और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस इसमें टर्न देते हैं और कहते हैं कि देखो ये महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश चल रही है, तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए वो बहुत महंगा राजनीति का एक रास्ता होगा। और मैं समझता हूं कि ये थोड़े धीरे धीरे जाएंगे, इतना भी खुदकुशी नहीं करेंगे भाजपा के लोग महाराष्ट्र में। अच्छा, थोड़ा इतिहास के पन्ने पीछे, आप पुराने इतिहास के बारे में आप जानते हैं, बाला साहेब ठाकरे और उनका बेटा उद्धव ठाकरे, इनके बीच क्या, एक तो बाप बेटा कार्टूनिस्ट फोटोग्राफर, बाला साहेब ठाकरे का एक जो भारतवर्ष का राजनेता जो कहा कि मैं गर्वित बोध करता हूं कि हमारे आदमी बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया था दिसंबर 1992 मुंबई का रायट जो दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान दंगा, उसमें शिव सैनिकों का जो भूमिका है, ये श्री कृष्णा कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा है। उससे भी पहले चले जाइए आप, बाला साहब ठाकरे के खिलाफ बहुत सारे केसेस हुए, और आप जानते हैं एक समय जो ट्रेड यूनियंस थे, जो मुंबई का जो टेक्सटाइल वर्कर्स, जो कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन को तोड़ने के लिए भी शिवसेना का एक भूमिका था, उसके साथ आप तुलना किया कीजिए आज उद्धव ठाकरे जी को, जो विधानसभा में कहते हैं कि धर्म और राजनीति को मिलाना जरूरी नहीं है, डोंट मिक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। यही उद्धव ठाकरे जी भीमा गोरेगांव का, क्या वहां पे इतने सारे एफआईआर क्या होगा नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं है कि जज लोया का केस दोबारा जांच होगा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें आरे जंगल में पेड़ मत काटिए। तो इन दोनों बेटा और पिता, इन बीच में What are their political differences? और ये क्या, इसे जस्ट एक तरह सुविधावादी राजनीति के लिए, या इसमें उनका विचारधारा में भी अलग, ideologically are they very different? आप थोड़ा बहुत कहिए, यही मेरा आगे। जिसको आप सुविधावादी राजनीति कहते हैं ना, opportunist politics, वो राजनीति में हर समय वही होता है कि जो opportunities आती है, जैसे जैसे राजनीति उलझती है उसके हिसाब से लोगों की भूमिकाएं और उनके कंपल्शंस भी बदलते जाते हैं। तो सिनिक्स जो है महाराष्ट्र में, जो समझिए शिवसेना के शुरू से क्रिटिक रहे हैं और उद्धव ठाकरे जी के भी क्रिटिक रहेंगे, वो कहेंगे कि देखो ये तो अब इनका पॉलिटिकल कंपल्शन है इसलिए ये कह रहे हैं सब चीजें। मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये सच भी होगा, लेकिन इसमें एक बात और है, और वो ये है कि 2000 के बाद जब से उद्धव ठाकरे जी के हाथ में शिवसेना का काफी कमान आ गया था, काफी कंट्रोल आ गया था, तब से उन्होंने बहुत आस्ते आस्ते, डायरेक्टली तो कभी नहीं, लेकिन ये शुरू कर दिया था कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस थी शिवसेना की, मराठी लोगों के बारे में हो या धर्म के बारे में हो, वो अंडरप्ले करना शुरू कर दिया था, उनका महत्व थोड़ा कम किया था। जैसे उन्होंने मैं मुंबई कर हूं ये घोषणा दी थी, और उसके हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन ये कहा था कि जो मुंबई में रहता है वो मराठी है या मुंबईकर है।
इसका मतलब सीधे भाषा में ये हुआ कि आप मराठी भाषिक है कि नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से दो तीन फर्क है इनमें। एक तो बाला साहब ठाकरे जो थे, उनके हिसाब से इनका धर्म हो या भाषा हो, इनके बारे में जो भूमिका है वो बहुत एक्सट्रीम नहीं है। दूसरा ये है कि जिसको हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिटिक्स कहते हैं, उससे इनका पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में थोड़ा ज्यादा विश्वास है। और तीसरा फर्क पर्सनैलिटी का है कि बाला साहब ठाकरे जिस तरह से भाषण करके कुछ भी कह के लोगों को भड़का सकते हैं, ये पर्सनैलिटी इनकी नहीं है, ये इनके जो दूसरे भाई है, बिछड़े हुए भाई है राज ठाकरे, उनकी पर्सनैलिटी है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों फर्क है, उसके वजह से अब जो ये स्थित्यंतर हो रहा है वो उद्धव ठाकरे जी को सूट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना बदली कि नहीं बदली? मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ी बदली है, परमानेंटली बदलेगी कि नहीं ये तो जैसे जैसे राजनीति में अपॉर्चुनिटीज आएगी उसके ऊपर निर्भर होगा। अच्छा, मेरा एक और, मैंने कहा आखिरी सवाल, फिर भी एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मैं आपसे ये आखिरी सवाल पक्का। एक समय नरेंद्र मोदी जी भी कहा था कि शरद पवार जी उनका राजनीतिक गुरु है। मगर जिस तरह से महाराष्ट्र का राजनीति हम देखा, विचारधारा और भाजपा विरोधी राजनीति, ये हम सब मालूम है। जिस तरह से आप तो हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं कि जिस तरह से लोग वोट देते हैं, अगर सारे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खिलाफ है, अगर एक साथ हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएंगे, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा। तो महाराष्ट्र का राजनीति जो हम देख रहे हैं, इस तरीका का राजनीति भारतवर्ष का और राज्य में देखने का कोई संभावना है? Will महाराष्ट्र show the way? मैं बंगाली होके आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपको याद है 100 साल पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनका एक कहा था, और वो था what Bengal thinks today, India thinks tomorrow। और लोग भूल जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को गुरुदेव समझते हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, और साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना। तो 100 साल के बाद हम सवाल उठ रहा है कि जो बंगाल में तो हम नहीं देख रहे कि वाम दल, तृणमूल, कांग्रेस एक साथ होके लड़ेंगे, मगर कैन महाराष्ट्र शो द वे? यही मेरा सवाल। देखिये, ये बड़ा सवाल है और आपने अच्छी बात है कि ये सवाल पूछा, क्योंकि आज के रोज महाराष्ट्र स्थापना होने को 60 साल हो गए हैं। और अभी महाराष्ट्र में अभी तो कोविड है इसलिए सेलिब्रेशंस नहीं हुई, लेकिन बड़ी सेलिब्रेशंस अदरवाइज हो जाती थी कि महाराष्ट्र के 60 साल पूरे हुए। अब ये महाराष्ट्र में क्या फर्क है बाकी राज्यों से, ये एक मिनट में आपको देखना चाहिए। वो ये है कि शुरू से, मतलब जब से यशवंतराव चव्हाण जी मुख्यमंत्री हुए, तब से महाराष्ट्र में जिसको प्लूरलिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं कि सब दलों को अपना अपना राजनीति करने को फ्रीडम होना चाहिए, सब विचार यहाँ होना चाहिए, और किसी एक विचारधारा जिसको हम एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट कहते हैं, ऐसी महाराष्ट्र में खड़ी नहीं होना चाहिए। इसके लिए यशवंतराव चव्हाण जी की राजनीति ने बहुत प्रयास किए, वो काफी साल तक वो मॉडल आगे चलता रहा। और अभी जो हो रहा है महाराष्ट्र में वो मेरे ख्याल से ये है कि उस मॉडल के खिलाफ भाजपा की जो राजनीति है उसकी वजह से सब दल उनके खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। अब ये बाकी जगह होगा कि नहीं, मेरे ख्याल से कुछ जगह हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपने बांग्ला का, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, वहां तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां जिस तरीके से पोलराइजेशन है लेफ्ट में और तृणमूल में, उसकी वजह से वहां नहीं हो पाएगा। लेकिन एक क्षण के लिए समझिए आप आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट को, कि जहां ये हो सकता है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में पहले हुआ जो यशस्वी नहीं हुआ, बिहार में हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कई जगह ये हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि सब दलों को अपना अपना विस्तार करने का फ्रीडम होना चाहिए। और इसलिए महाराष्ट्र का मॉडल अगर आप देखेंगे तो वो पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन का हुआ, पहले नहीं ये इकट्ठा आ पाए। शिवसेना और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इलेक्शन के पहले नहीं आ पाए इकट्ठा, बाद में इकट्ठा आ पाए। और उसको दूसरी फुटनोट यह है कि इकट्ठा आने के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम तय करना चाहिए, यानी कि अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक न्यूनतम, एक कार्यक्रम जरूरी है, एक साझा न्यूनतम। तो आप समझते हैं, समय बताएंगे कि इस तरह से राजनीति
भारतवर्ष का और दूसरे राज्य में हम देखेंगे निकले। अत्यंत धन्यवाद प्रोफेसर सुहास पाल शिखर जी, हमें इस समय हमारा जो साक्षात्कार यहीं पे हम खत्म करते हैं और आपके साथ हम दोबारा बातचीत करेंगे और भारतवर्ष का राजनीति के बारे में भी बातचीत करेंगे। मगर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हाँ, और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.